फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ये हमारे केरला ब्लॉग सीरीज का तीसरा वीडियो है। अगर आपको बाकी वीडियो देखने हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हमारे केरला वीडियो के दूसरे दिन की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। वर्कला में समय बिताने के बाद हम जटायु अर्थ सेंटर के लिए चल दिए। जटायु अर्थ सेंटर या जटायु पारा कोलम डिस्ट्रिक्ट में है। ये वर्कला से 27 किलोमीटर दूर है और त्रिवेंद्रम से लगभग 50 किलोमीटर दूर। आप यहाँ के नजारे का बेस्ट वर्जन बरसात के मौसम के बाद देख सकते हैं। जटायु स्कल्पचर के डिजाइनर राजीव अंचल जी ने इसको वुमेन सेफ्टी एवं ऑनर को डेडिकेट किया है। साथ ही साथ उनके अनुसार यह उस समय की याद दिलाता है जब इंसान जानवर पशु पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। जहां हम देखते हैं कि सरकारी पैसों से हजारों करोड़ों में स्टैचूज बनाए जाते हैं, उसी के अपोजिट यह वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्ल्ड स्टैचू पूरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बना हुआ और वो भी सिर्फ 100 करोड़ में। सरकार ने यह जमीन 30 साल के लिए लीज पर दी है। एक और अनोखी बात है, स्कल्पचर बनाने के लिए जंगल काटा नहीं गया है बल्कि एक बैरन ग्रासलैंड पर लाखों वृक्ष उगाकर यहाँ फॉरेस्ट बनाया गया और पानी की कमी को दूर करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बनाया गया। जटायु की कहानी तो आप सबको पता ही हो। जब रावण सीता का हरण करके लंका की ओर जा रहे थे तब जटायु ने सीता माँ को बचाने की कोशिश की और रावण ने जटायु का पंख काट दिया। ऐसा कहा जाता है कि घायल होकर जटायु इसी चट्टान पर गिरे थे और राम जब सीता को ढूंढते हुए आए तो उन्होंने ही जटायु को मोक्ष प्रदान किया कि इस चट्टान पर राम भगवान के पैरों के निशान भी है, इसलिए राम मंदिर भी बनाया जा रहा है। यह सेंटर इको टूरिज्म थीम पर है और चार पहाड़ियों को मिलाकर बनता है। पहली पहाड़ी पर जटायु स्कल्पचर म्यूजियम थिएटर एवं राम मंदिर है। यहाँ आप चाहे तो सीढ़ियों से जा सकते हैं एवं केबल कार फैसिलिटी भी। दूसरी हिल पर आपको एडवेंचर एक्टिविटीज मिलेंगी जैसे पेंट वॉल, ट्रैकिंग, क्लाइंबिंग, इन सबको मिलाकर टोटल 15 एडवेंचर एक्टिविटीज है और एक मिनिमल चार्ज में आप ये सब एंजॉय कर सकते हैं। तीसरी और चौथी हिल पे मूनलाइट डिनर, स्काई साइकिलिंग, इन सब का प्लान है लेकिन जब हम गए थे तो ये एक्टिविटीज अभी तक चालू नहीं है। राजीव अंचल जी की स्कल्पचर बनाने में रुचि तो बहुत पहले से थी पर फिल्म लाइन में डायरेक्टिंग में करियर शुरू किया और जब 9-10 साल पहले केरला गवर्नमेंट का एक कॉम्पिटिशन के बारे में सुना तो उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट सबमिट किया। उनका कहना है कि एक फाइटर के लिए उल्टा गिरना सबसे निराशाजनक होता है और इसीलिए यह स्कल्पचर जटायु के प्रयास को बताता है और इम्पैक्टफुल है। फाइनली मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि जटायु गवर्नमेंट के लिए उदाहरण है कि कम कीमत में जनता का पैसा वेस्ट किए बिना एवं पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए वर्ल्ड लेवल बेस्ट स्टैचू कैसे बनता। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी सीरीज के अगले भाग में। थैंक यू, बाय बाय।